So, आज मैं आप के साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूं। जो कि आपकी बेजान स्किन में आपकी मुरझाई स्किन में बहुत ज्यादा शाइन लाएगी, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगी एंड साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा यंगर बनाएगी हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम विभा और मैं इस चैनल पर ब्यूटी से एंड एंडक्टिव होम रेमेडीज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ जो हमारी स्किन एंड हेल्थ के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं यदि आप विंटर्स हो या समर्स हो अपनी स्किन की ड्राइनेस डलनेस एंड रूखेपन से बहुत ज्यादा परेशान है तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले आज की ये रेमेडी आपके चेहरे पर भर भर के ग्लो लाएगी स्किन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगी सो कीप सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर में ताकि उनके फायदे उठा सके एक, और उसमें मैं करूंगी एक का पेस्ट। जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर किया था बादाम से बना लोशन सो so, उसी का ही ये बचा हुआ पेस्ट है जिसे मैं इस रेमेडी में इस्तेमाल करूंगी तो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ जाके देख सकते हैं सो so, अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच भर के ग्रीसले। तो ग्रीसिलन हमारी स्किन पर बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग का काम करता है हमारी स्किन पर ग्लो लाता है और हमारी स्किन पर बहुत ही अच्छी शाइन लाता है एंड इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच भर के रोज पाउडर आप रोज की पत्तियों का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं रोज पाउडर हमारी त्वचा में बहुत ही अच्छा निखार लेके आता है हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही ज्यादा निखारता है सो फ्रेंड्स इन तीनों चीजों को मिक्स करने के लिए मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ कच्चे दूध का अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप यहाँ ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स दूध जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है ये हमारी स्किन के इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है एंटी एजिंग का काम करता है फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है डल स्किन है तो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा शाइन देता है आपकी स्किन को रिजुनेट करता है सो so, फ्रेंड्स इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को दूध की हेल्प से मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी रेमेडी बन तैयार हुई है ये रेमेडी आपके चेहरे पर भर भर के ग्लो लाएगी अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी आपकी उस समस्या को भी दूर करेगी सो so, इसको फ्रेंड्स फेस पर कैसे अप्लाई करना चलिए ये ये देख लेते हैं सो so, इस रेमेडी को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे टीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा ग्लो देता है आपके फेस पर सो so, फ्रेंड्स इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले आप सबसे पहले अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे मेरे फेस पर इस वक्त सनस्क्रीन लोशन लगा हुआ था तो मैं उसको भी बहुत अच्छे से एक वेट वाइप की हेल्प से रिमूव कर दूंगी ताकि जो मैं ये रेमेडी बना

खुरदरी जो आपकी स्किन हो जाती है डेड सेल्स जो आपकी स्किन पर होते हैं वो इजिली से रिमूव हो जाते हैं क्योंकि ये पैक हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सुलेट भी करता है स्मूथ सॉफ्ट एंड सबल बनाता है सो so, फ्रेंड्स यहाँ एक वेट वाइप से मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी विंटर्स हैं आप चाहें तो इसके इस तरीके से फेस को वाइप ऑफ कर सकते हैं नहीं तो आप फेस वॉश भी कर सकते हैं तो फेस वॉश करने के लिए आप हल्का गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा गर्म पानी आप विंटर्स में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई होने लगती है और हमारी स्किन पर जब ड्राई होने लगती है तो हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा चूरी दिखने लगती हैं, सो so, इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसा फेस एकदम से व्हाइट हो गया है एंड स्किन बहुत ही ज्यादा क्लीन दिखाई दे रही है स्किन बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट दिख रही है यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लिया है देन इसके बाद मैं गुनगुने पानी से अपने फेस को अब वॉश कर लूंगी फ्रेंड्स जब आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे इसके अच्छे वाले रिजल्ट सो so, यहां मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है स्किन इतना क्लियर हो गई है डीप क्लींस कर दिया है इस रेमेडी ने फेस को स्किन ऐसे टच करने में फील हो रही है जैसे कि आप किसी पंख फेदर टच वाला फील आपको आएगा सो so, फ्रेंड्स इसके बाद आपको एक स्टेप और करना होगा फेस की मॉइस्चराइजिंग क्योंकि विंटर्स हैं और हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगती है तो फेस को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है सो so, यहाँ मैं अपनी पाम पर थोड़ा सा लेने जा रही हूँ बादाम का तेल जो कि स्किन को बहुत अच्छे से नॉरिश करेगा स्किन को रिवाइटल करेगा साथ ही मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड करने जा रही हूँ ग्रीसलीम सो so, ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के साथ साथ हमारी स्किन को बहुत अच्छे से निखार देती है सो इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से अपने पाम पर मिक्स कर लिया है और उतनी ही क्वान्टिटी है जितनी मैं अपने फेस पर इसे अप्लाई कर सकूँ एंड फेस इसको सोख लें फ्रेंड्स so अपनी फिंगर की से इस रेमेडी को आप मिक्स करके अपने फेस पर इस तरीके से लगाएंगे डेप करते हुए देन पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद आप इस रेमेडी से इस मॉइस्चराइजर से अपने फेस की सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे फ्रेंड्स मसाज करने से आपके फेस पर भर भर के ग्लो आने वाला है आपकी रूखी बेजान स्किन में नहीं जान आने वाली है यदि आपको पफी आइज की प्रॉब्लम है आपकी आंखों के नीचे झूरियाँ आने लगी हैं तब आप इस तरीके की अगर आप अपने फेस पर रेगुलर मसाज करेंगे तो आपकी स्किन टाइटन अप होने लगेगी आंखों के नीचे जो झूरियाँ आ गई हैं वो रिमूव होंगी आपकी बहुत ही ज़्यादा सैगी होगी स्किन लटकने लग गई है तो वो इस रेमेडी से आपकी स्किन पर कसाव आएगा सो so, इस तरीके से आप अपनी आईस की मसाज कर सकते हैं एंड फ्रेंड्स अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं पुराने डार्क स्पॉट तो बादाम का तेल उसे भी लाइटन अप करता है सो so, इस तरीके से से आप अपने फेस की अच्छे मसाज मसाज करेंगे मसाज़ करते करते ही देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके फेस पर भर भर के ग्लो आने वाला है और ये जो ग्लो है आपको एक दिन बाद और ही ज्यादा अपने फेस पर दिखाई देगा जब आप नाइट में इस मसाज को करके सोएंगे एंड मॉर्निंग में आप देखेंगे अपना फेस मिरर में तो आपकी स्किन इतनी ज्यादा हाइड्रेट लगेगी आप

के कालेपन से अपनी स्किन की ड्राइनेस से या फिर स्किन से रिलेटेड किसी भी समस्या से परेशान है तो आप इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करिए इस तरीके की रेमेडीज ही मैं ट्राई करती हूँ और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ सो so, आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं ये हंड्रेड परसेंट वर्क करते हैं सो आई होप फ्रेंड्स आज की रेमेडी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल रही होगी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस तरीके का ग्लो पाना चाहते हैं तो आप भी इस तरीके की रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में आपके साथ मैं और अच्छी अच्छी रेमेडीज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा हमारी स्किन पर काम करती हैं सो so, मिलते हैं एक और नई बेहतरीन कंटेंट नई रेमेडी के साथ तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए खुश रहिए थैंक यू